नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मंडी ऑनलाइन चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो। किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलवर मंडी में प्याज की कीमतों के बारे में, या फिर अलवर मंडी में आज के दिन जो है क्या चल रहा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भाइयों तक भी जो है जानकारी पहुँच सके। और साथ ही जिन भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो उन तक समय पर पहुँच सके, उनको समय पर जानकारी मिल सके। चलिए किसान भाइयों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे ऊंची बोली की, तो जो टॉप बोली है वो 3700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली है। सबसे अच्छे माल की बात कर लेते हैं, 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। मीडियम माल की बात कर लेते हैं, 2600 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है देखने को मिला है। किसान भाई, बात कर लेते हैं गोल्टा माल की, तो जो गोल्टा माल है 2500 रुपये से 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। किसान भाई, जो गोल्टी माल है 2000 रुपये से लेकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई हल्के माल की, तो जो हल्का माल है 1800 रुपये से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है किसान भाई देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई छटाहन माल की, तो जो छटाहन माल है 1600 से लेकर 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुई है, इसकी बोली लगी है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि ये भाव जो है कब के, ये भाव किसान भाई 2 दिन पहले के हैं जब मंडी खुली थी। 2 दिन से मौसम खराब होने की वजह से, भारी बारिश की वजह से अलवर मंडी जो है लगातार आंशिक रूप से बंद चल रही है। जैसे ही मंडी खुलेगी आप तक वो भाव भी पहुँचा दिए जाएंगे। आपको ये जानकारी देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने वीडियो डाली, क्योंकि कल कुछ भाई पूछ रहे थे कि अलवर मंडी की वीडियो क्यों नहीं डाली। भाई जब भाव ही नहीं आ रहे तो मैं कैसे डालूँ, तो आज जो है मैंने इसलिए जो है 2 दिन पहले के भाव जो इस वीडियो में बताए हैं, और साथ ही आपको जानकारी दी है कि मंडी 2 दिन से आंशिक रूप से बंद है। जैसे ही मंडी खुलेगी, जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचती है, हम आप तक पहुंचा देंगे। किसान भाइयों, मैं कामना करता हूं कि आपका दिन जो है शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।